नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्लम्बर वर्क फिटिंग लेबर रेट 2024 यानी कि 2024 में प्लम्बर के प्रत्येक कार्य का लेबर रेट क्या चल रहा है। जैसे एक टोटी सेट करने का कितना लेबर रेट हो गया, एक इंडियन टॉयलेट सीट सेट करने का कितना रुपए हो गया, एक यूरोपियन टॉयलेट सीट सेट करने का कितना रुपए लेबर रेट लेना चाहिए, और यदि एक सिंक लगाना हो, वॉश बेसिन लगाना हो, तो इन सभी का कितना रुपए लेबर रेट लेना चाहिए, और एक वाटर टैंक सेट करने का कितना लेना है, शावर लगाने का, फ्लश लगाने का, और इसके साथ साथ वाटर पाइप फिट करने का और गीजर लगाने का। इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, और आपके एरिया में क्या रेट है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यदि हम एक टोटी फिटिंग के लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में प्लम्बर एक टोटी सेट करने का 150 रुपए से लेकर 200 रुपए चार्ज करता है। ज्यादातर मिस्त्री एक टोटी सेट करने का 150 रुपए लेते हैं। तो हमारे एरिया में एक टोटी सेट करने का जो लेबर रेट है वो 150 रुपए चल रहा है। नेक्स्ट यदि हम इंडियन टॉयलेट सीट की बात करें तो हमारे एरिया में इंडियन टॉयलेट सीट सेट करने का जो रेट है वो 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए चल रहा है, यानी कि 700 रुपए से लेकर 1000 में एक इंडियन टॉयलेट सीट सेट करने का लेबर रेट चल रहा है। नेक्स्ट यदि हम वेस्टर्न टॉयलेट सीट की बात करें तो हमारे एरिया में वेस्टर्न टॉयलेट सीट सेट करने का जो रेट है वो 1500 रुपए चल रहा है। नेक्स्ट यदि हम सिंक की बात करें तो सिंक को सेट करने का जो रेट है वो 500 रुपए चल रहा है, यानी कि एक सिंक सेट करेगा प्लम्बर तो वो 500 रुपए ले लेगा। नेक्स्ट यदि हम वॉश बेसिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम वॉश बेसिन बोलते हैं, और इसको सेट करने का जो लेबर रेट है वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच चल रहा है। नेक्स्ट यदि हम वाटर टैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 500 लीटर और 1000 लीटर का वाटर टैंक ज़्यादातर लोग लगवाते हैं। तो चाहे 500 लीटर का टैंक हो या फिर 1000 लीटर का टैंक हो, उसको सेट करने का जो लेबर रेट है, जो प्लम्बर रेट है, वो दोनों का एक समान है, क्योंकि 500 लीटर या फिर 1000 लीटर के टैंक में केवल साइज का फर्क होता है, बाकी उसको सेट करने का जो मटेरियल होता है, जो प्रोसेस होता है, सभी में एक समान लगता है। तो हमारे एरिया में वाटर टैंक सेट करने का जो रेट है वो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए चल रहा है। 1000 रुपए बोलते हैं, यदि आपने डिस्काउंट मांगा, बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट की, तो 200 रुपये छोड़ देते हैं, 800 रुपये ले ही लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम शावर की बात करें तो एक शावर सेट करने का जो रेट है वो 150 यानी कि 150 रुपये है। नेक्स्ट यदि हम फ्लश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने टॉयलेट सीट के साथ फ्लश नहीं सेट कराया, बाद में यदि आपको फ्लश सेट कराना है, तो उस सिचुएशन में फ्लश सेट करने का केवल अगर एक सिंगल फ्लश सेट करने प्लम्बर आएगा तो आपसे 500 रुपए जरूर से जरूर ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम वाटर पाइप फिटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पानी की पाइप को कुछ इस तरीके से दीवाल को काटकर सेट किया जाता है। तो दीवाल को काटकर कुछ इस तरीके से पानी का पाइप सेट करने का जो रेट है वो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए रनिंग फिट चल रहा है। और यदि एक पाइप चल रही है तो ये रेट है, यदि दो पाइप चल रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पाइप चल रही है एक साथ, तो यहाँ पर जो रेट होगा वो 25 रुपए रनिंग फिट प्लस 25 रुपए रनिंग फिट, यानी कि 50 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से यहाँ पर प्लम्बर रेट लेगा। तो दीवाल को काटकर पाइप को सेट करने का जो रेट है वो 25 रुपए पर रनिंग फिट के हिसाब से चल रहा है। और गीजर को फिट करने के लिए जो प्लम्बर आता है, जो इलेक्ट्रीशियन आता है, वो 600 रुपए लेता है, यानी कि 600 रुपए में एक गीजर सेट कर देता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और चलते चलते आप सभी से एक छोटी सी राय लेनी थी कि भाई प्रेजेंट टाइम में 2024 में यदि हम बाथरूम बना रहे हैं तो क्या बाथरूम में हमें इंडियन टॉयलेट सीट और यूरोपियन टॉयलेट सीट दोनों लगानी चाहिए या फिर कोई एक ही लगानी चाहिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।